तो दायरा ही लोग बाहर जा रहे हैं उसके दबाने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे सनबोर्ड का। देख सकते हैं ये सनबोर्ड शीट है 4 mm का, काफ़ी अच्छा शीट है। ऐसा मैंने सारे पीस को कट कर लिया है, अभी इसे चिपकाते हैं और बनाते हैं स्पीकर। और मैंने यहाँ ये वाले स्पीकर का इस्तेमाल करूँगा, ये 5 mm के स्पीकर है। गाइस कनेक्शन हो सकती है कंप्लीट, देख सकते हैं यहाँ इसे कैसे सिक्योर कर देंगे। इसे कैसे सिक्योर करने का होता है, तो यहाँ आ जाए और ये रही है बैटरी। ये 2000 mAh लिखता तो है लेकिन असल में होता नहीं, ये 1000 mAh से भी कम का होता है ये सिंगल बैटरी। दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2000 मान सकते हैं दोनों बैटरी मिलकर, तो काफ़ी देर तक बैटर मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
गाइस देख सकते हैं हमारा स्पीकर कंप्लीट हो चुका है। मैंने अलग से तो ग्रिल तक का यहाँ आ दिया है, अच्छा लग रहा है। वैसे तो दूर से नहीं पता चलेगा, सामने से थोड़ा देखने में ही पता चल रहा है। बाकी देख सकते हैं बाकी हर से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इसका कनेक्शन है सारा देख सकते हैं। अब इसके ऊपर का ढक्कन गिर रहा है, तो है ये तो किस तरीके से हमारे कुछ हो जाएगा तो सामने से बिल्कुल नहीं दिखा दे रहा है, ऊपर से हम दिखा दे रहा है बस। चलो फिर कुछ करते हैं इसके बाद देखते हैं। सुपर ग्लू का दरअसल कंजूसी नहीं करना है, अगर आप बेस रिएक्टर लगा रहे हैं तो, और नहीं लगा रहे तो कोई है नहीं, स्टार ग्लू से ठीक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर ग्लू का कोई सर कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी करेंगे तो एयर टाइट नहीं है, तो एयर टाइट नहीं हो पाएगा तो फिर बेस रिएक्टर सही से वर्क नहीं करेगा। इधर देख सकते हैं ये लगभग कंप्लीट हो चुका, फिर पीछे मॉड्यूल दोनों बाकी है। ये रहा स्विच, ये रहा टैक्सी वाला, ये टैक्सी नहीं है, टैक्सी वाला कहाँ गया, तो ये रहा टैक्सी वाला चार्जिंग मॉड्यूल पता चला। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने टेप मार दिया, इस कलर से अच्छा दिखाई दे। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सनबोर्ड पर काफ़ी बड़ा ये डिमेरिट है कि इसमें स्क्रैच काफ़ी जल्दी आ जाता है, देख सकते हैं। इधर नहीं आया है सिर्फ इधर आया है, ऐसे भी है बैक साइड है लगे बेस है। और इसका कनेक्शन तो कर दिए है, इसका यहाँ पर कुछ सनबोर्ड का एक्स्ट्रा पीस लगाते हैं। ये गया, इसका कोई मैं ग्लू से नहीं चिपका रहा, ये हो सकता है फ्यूचर में से निकालना है। ये टाइप सी केबल है चार्जिंग के लिए, ये स्विच और ये ऑन के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कैसा लग रहा है ये स्पीकर, काफ़ी छोटा सा काफ़ी अच्छा सा फुल्ली वाटर प्रूफ, नहीं फुल्ली तो नहीं कहेंगे पानी जा सकता है लेकिन वाटर प्रूफ। यार गजब का बेस रिएक्ट।
Bluetooth mode. ये ऑटो कट हो गया लगता है, कुछ ज्यादा ही पावरफुल ये एम्पलीफायर वोल्टेज कुछ ज्यादा ही है, फिर ये एम्पलीफायर कंज्यूम कर रहा है क्योंकि ये BMS जो है आई थिंक 2 एम्पियर तक लोड आराम से सह लेता है, ये वाला नहीं 3 एम्पियर तक का, और मैंने ये 10 वाट का स्पीकर लगाया है, हो सकता है ये BMS ऑटो कट कर लिया हो। तो गाइस देख सकते हैं स्पीकर तो काफी धाकड़ बज रहा है, 1 नंबर बज रहा है। इसका प्लेबैक टाइम तो फुल वॉल्यूम पे फुल बेस पे 1 घंटा से ज्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि काफी ज्यादा एम्पियर ये कंज्यूम कर रहा है। हाँ कम वॉल्यूम पे काफी ज्यादा दे देगा, अगर मूवी वूवी देख रहे हैं नॉर्मल वॉल्यूम पे मीडियम 50% तक का वॉल्यूम पे तो 3 से 4 घंटा आराम से। वैसे ये स्पीकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा एयर टाइट है देख सकते हैं, पूरा हिलता है। तो गाइस कैसा लगा ही आपको ये स्पीकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। So